कश्मीर के बड़गाम जिले से बड़ी खबर, जहां के परगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है, इस समय भी चल रही है। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों ने यहां पर रिहायशी इलाकों में छुपे हुए हैं। ये दोनों सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन 2 से 3 अभी भी वहां पर छुपे हुए हैं। दोनों आतंकी जैश मोहम्मद आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस एनकाउंटर के दौरान 5 जवान भी घायल हो गए हैं। आतंकवादियों के पास से अमेरिकी राइफल बरामद की गई है। यहां आपको जानकारी दें कि सुरक्षा बलों को शुक्रवार को ही सुबह बड़गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर इसी के बाद सेना एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया। खुद को घिरा हुआ देखकर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। रिहायशी इलाका होने के कारण सुरक्षा बलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे, इसी की वजह से इस पूरे ऑपरेशन में थोड़ी देरी हो रही है। 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो परगाम इलाका है बड़गाम जिले का, वहां पर छिपे हुए हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, जिसमें आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जैश मोहम्मद के 2 आतंकी बताए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर में तीसरी मुठभेड़ है, जिसमें बड़गाम में जैश के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। 24 घंटे के अंदर ही जम्मू कश्मीर में तीसरी मुठभेड़, 5 जवान घायल हुए हैं। आतंकवादियों के पास यहां पर अमेरिकी राइफल्स मिली है। और आइए सीधा रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी अजय जांडियाल और जानकारी के साथ मौजूद हैं। अजय जांडियाल, आपसे जानना चाहेंगे 24 घंटे के अंदर ये तीसरी मुठभेड़ की हम खबर सुन रहे हैं, 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं, इन तीनों मुठभेड़ों के बारे में आपसे जानेंगे, कितने आतंकवादी कुल मारे गए हैं और किस इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। देखिए, अगर इस नौगाम के ऑपरेशन की बात करें तो जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली उसके बाद ही इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और उसी दौरान आतंकी जो एक घर में छुपे थे उन्होंने फायरिंग की और जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। चंद घंटों के अंदर ही 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और 2 आतंकवादियों की बॉडीज मिली है। एक की आशंका और जताई जा रही है कि एक आतंकी और हो सकता है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये आतंकी अभी वहां है, यहां वहां से निकल चुका है या फिर यही 2 आतंकी थे, मगर 2 से 3 का आंकड़ा जो है वो पहले जानकारियां मिल रही थी। और अगर बात करें लगातार, अगर आप देखें तो जब एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद से लगातार सिलसिलेवार आतंकी जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाएं। और खासतौर पे होली के त्यौहार के दिन अगर आपको याद हो तो 5 मुठभेड़े जो है होली के त्यौहार के दिन वहां पे कश्मीर में हुई थी और उसी के बाद से ये सिलसिला चल रहा है। लगभग होली के बाद से लेकर 8 आतंकी मुठभेड़ कश्मीर में हुई है और इसी दौरान की अगर बात करें तो 10 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और आंकड़ा ये लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से ये आज के इनकाउंटर की जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक पाकिस्तानी आतंकी था जबकि एक जैश जो है लोकल टेररिस्ट है, दोनों जैश मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। और अगर पिछले एयर स्ट्राइक के बाद से जहां पुलवामा हमले के बाद से देखें तो लगातार जैश मोहम्मद मुठभेड़ की खबरें जो आई है, एनकाउंटर की जो खबरें आई उसमें जो परगाम में जो इस समय ऑपरेशन चल रहा है वहीं पर ऑपरेशन चल रहा है और बाकी 2 जगहों पर ऑपरेशन पूरी तरह से सेना का खत्म हो चुका है। अभी जो ऑपरेशन है वो बड़गाम में ही चल रहा है, एक अन्य इलाका है जहां पर साउथ कश्मीर का जहां पर एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी वहां मुठभेड़ नहीं है, मगर ये जरूर है कि जहां पर भी आतंकियों की सूचना सुरक्षा बलों को मिल। ठीक है, शुक्रिया आपका जो जानकारी के लिए आगे